एनजीटी के एक आदेश ने रामगढ़ ताल के किनारे बसे हुए लोगों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। मामला यह है कि रामगढ़ झील के किनारे जो भी आवासीय कॉलोनी है उसको एनजीटी ने प्रदूषण के लिहाज से सही नहीं माना है और ये माना है कि रामगढ़ झील को इससे खतरा उत्पन्न होगा, यही वजह है कि उसको गिराने का आदेश जीडीओ को दिया है। तो गोरखपुर के नगर विधायक ने जीडीओ पर भी बड़ा आरोप मढ़ा है। यह बहुत दुखद है कि एक एक्सपर्ट कमेटी यहाँ आई, एक्सपर्ट कमेटी का इतना हाइफ जीडीए के अधिकारियों ने बनाया इस शहर में, जैसे कि उनके मकान गिरने जा रहे हैं। और मेरा स्पष्ट आरोप है जीडीए के अधिकारी एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जब इन मकानों से वो पैसे की वसूली कर सकते। मैंने ये विषय आज मुख्यमंत्री के संज्ञान में दिया है और जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय का कोई निर्णय नहीं आ जाएगा एक भी मकान नहीं गिराया जा सकता। उन्होंने कहा कि घुसखोरी के चक्कर में यहाँ के अधिकारियों ने यह निर्माण होने दिया और एनजीटी के छोटे से आदेश पर अब उसे ध्वस्तीकरण का काम करने जा रही है। मुकेश पांडे, ईटीवी भारत, गोरखपुर।